दुष्ट का ये दुष्ट ने जो है नी कोई भी काम नहीं। दुष्ट कौन है? दुष्ट किसके बारे में? दुष्ट तो डिप्टी सीएम है। अच्छा अच्छा, तो हांगा ला के हमने इसको राम कुमार गौतम को बनाया दुष्ट। ये जो है नी मतलब उसका यार इसने कुछ नहीं काम करया ना करण दिया, सुधार नहीं कराना कोई भी। अच्छा, आ तई कांग्रेस भी सारी उम्र रह ली, बीजेपी 10 साल हो गए, सुधार नहीं कर सकता अपना घर भर सके। अच्छा। नेता हर एक बेईमान है, ईमानदार कोई नेता नहीं बनता। अच्छा। अरे ईमानदारी का हक में कोई नेता हो तो वो आएगा बता दियो। हमारा नानू दल का भी वहाँ जाके ना वोट मांगी, भीख मांगी। अब ना हमारे ऊपर व्यवसाय कराया था किसानों पर, उसका एहसान तैरिया है। हर एक हल्का में हरियाणा में कट जाए घूमो उसका ऊपर जो तो डंडे नहीं लगते। नमस्कार, मैं बबीता गौड़ और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ खबर आपके काम की ओर 24। फिलहाल पहुंचे हैं नारनौंद विधानसभा के अंदर और चुनावी माहौल है, राजनीतिक माहौल है। यहां के स्थायी निवासियों से बात कर लेते हैं क्या राजनीतिक माहौल है, ऊँट किस करवट बैठेगा। ताऊ राम राम। राम राम। के ज्ञान 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 तो सर ठीक है। अच्छा, और बाकी तो टाइम तो इलेक्शन का आने लग रहा है। हाँ। और एक बार तो मोदी को जो है नहीं हमने आधे के समझो कट तो ला दी। हाँ। इस बार पूरी कट लगा देंगे। अच्छा। हमने जनता ने और हमने जो है नहीं नारंद हल्का में 45,000 की जो है नहीं 40,000 की लीड दी थी। हाँ। और इस बार उम्मीद है कि 60-70,000 की भी लीड देने का विचार है आगे बीजेपी को। 60-70,000 से हराना है। और बीजेपी ने जो हमारी मांगे थी वो भी अभी पूरी नहीं की है। और अब धरना जो है नहीं अपना चल रहा है इस पर बॉर्डरों पर, जैसे खनौरी है, शंभू बॉर्डर है, है? और तो ताऊ ताऊ मैं पूछने लग रही हूँ, अपने जो नारनौंद अड़कम है कितना विकास हुआ है? मारा विकास होया नहीं बिल्कुल कुछ भी। ये बात है? हाँ, बात के 5 साल में दिखन लाग रहा हमारे रोड भी नहीं बने। अब बरसात होती है हमारे यहाँ जो है नहीं इस रोड पे कम से कम 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है और घरों में भी पानी बढ़ गया। हमारे ये सामने मकान है इसमें भी पानी बढ़ गया, भर गया था। और आगे भी जो है नहीं स्कूल में भी, हमारे तालाब में भी, सारा तालाब में गंदा पानी जो है नहीं चला गया। ये बात का विधायक है राम कुमार गौतम, वैसे बात कौन करेगी? राम कुमार गौतम से हमने कई बार बातचीत की लेकिन राम कुमार गौतम कहता है कि मेरे तो काम होने नहीं देता। ये क्या नाम से इसका दुष्ट का, ये दुष्ट ने जो है नी कोई भी काम नहीं। दुष्ट कौन है? दुष्ट किसके बारे में? दुष्ट तो डिप्टी सीएम है। अच्छा अच्छा, इसको हांगा ला के हमने इसको राम कुमार गौतम को बनाया दुष्ट। ये जो है नी मतलब उसका यार इसने कुछ नहीं काम करया ना करण दिया ना। और डिप्टी सीएम का विधायक था पार्टी का जेजेपी था, इसने काम में कौन करण दिए? ना ना, राम कुमार गौतम में कहो था इसने काम ही नहीं करण दिए मेरे को। मैं काम जो भी कहे सीएम को भी कहे वो होने नहीं दिए ना। ये हमारा रोड बन दिया, 5 साल हो गए सारा रोड टूटा पड़ा सा, अब बनने लग रहा है। अब देखो मोठ रोड से, मोठ रोड पर जो है नी हमारे पानी कभी सूखता ही नहीं, वहाँ भी जो है नी अभी नाला निकलने लग रहा है जब लेकिन वो भी उसमें भी नाला में जो है नी पीछे बर्बाद करने लग रहे हैं पानी, फिर भी नहीं निकलना। अच्छा। है और के पूछोगे के बतावा हम तो बस बेबे। पार्टी तो हमारा तो यो है कि जो बीजेपी ना रावागा उसने वोट देवांगे, और तो पार्टी दिखती नहीं भाई। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से रहेगी फिर कांग्रेस को ही। कांग्रेस कांग्रेस और भी है दो पार्टी, वह तो एक तो जेजेपी है उसका तो मारांगे जूत। अच्छा अच्छा, दूसरी इनलो है, इनलो का भी कोई जनाधार नहीं है यहाँ, इनेलो की भी जमानत जब्त होगी। इनेलो में तो अपने अब है ना, तो इस्तीफा भी दिया था पीछे। अस्तीफा दी? अरे अस्तीफा तो दिया था लेकिन वो
इस्तीफा दे के आप बच गया, नहीं तो उसका भी नुए जूत लाग गया, जिस तरह ये दुष्यंत का लागन लाग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी बाँ पकड़ के कह रहा है दुष्ट तुम जो है नहीं, मतलब उनकी गोद में जा बैठा, मारा नाश कर दिया, और इस प्रकार से उससे बच गया वो। और ये कि मैं भी ले, ये तो मजबूत हो ला रही पार्टी, गठबंधन मान ला रही इस बार। कुछ नहीं गठबंधन, ना कुछ नहीं, बिल्कुल सारा इसकी कोई सीट नहीं आनी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने मतलब कुछ सुना है कि 2-3 सीट आएंगी। अच्छा। हाँ, और अब को भी मुश्किल है, अब भी आ रहेगा। अच्छा। इस तरह न्यारी 2-3 सीटों की है, और जेजेपी का तो माँ बेटे भी आ रहेंगे, वो भी नहीं जीतेंगे। अच्छा। हाँ, जेजेपी का तो बहुत इस बार जेजेपी है ना, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर वाली पार्टी तक गठबंधन कर लिया है ना, मजबूत होने का। ओहो, गठबंधन के या चाहे कितना ठग बंधन कर लो, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। जनता जागरूक हो रही है, और जनता सारी समझ से सुने से, और बिल्कुल जो है नहीं पूरी तरह से सजग है और तैयार बैठी है, मन बना रखा है। अगे हमने बीजेपी को, जेजेपी को और इनको वोट नहीं देना बिल्कुल भी, इनका जूत मारने से। मतलब 9.5 साल या सरकार रही है, तो भाई जनता ने खुश कौन कर पाई है? ना ना, कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं किया हमारे 5 साल, कुछ नहीं किया। कांग्रेस है, मान लो आपने कहो बीजेपी कांग्रेस में कंपटीशन है, तो इन दोनों पार्टियों में कांग्रेस बीजेपी ने तो अपना कारण ला रहे हो, तो कांग्रेस में किसका चेहरा देख ला रहे हो, कौन अपना पूरा काम कर? कांग्रेस का यूं है के मैं पहले तो आपको जो है नहीं सहारा न्यूज और 24 न्यूज को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है नहीं हमारी आके बात सुनी और ऊपर तक पहुँचाने का कार्य करोगे, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। जी बिल्कुल, अपने तो टीम काम मनु कर रहे हैं जनता के आ, और तो ये कहते हैं कि मतलब जो काम तो जो है नहीं मारे करे ही नहीं इनती। हाँ, क्योंकि एमएलए को क्या, एमएलए क्या करूं जी, काम नहीं। तो कांग्रेस में कुछ छोड़ना नहीं भाई, जब कांग्रेस में कोई भावीचारा देखो तो कौन सा चारा ऐसा है जो अपना काम कर सके है? अपना कांग्रेस का है। कांग्रेस का यूं है कि जो भी कांग्रेस की टिकट लेके आओगा उसको बिना मांगे वोट देवांगे, कोई हाँ कोई हो, हमने नहीं, हमने तो क्या है कोई भी हो, जैसे डॉक्टर हो, जस्सी हो, या दिनेश हो, या वो हमारी बेटी है पेटवा डाली है, क्या नाम है रहा, मैं भूल जा, सोनिया दून हो, तो उनको कहा था भाई आप लोग जो है नहीं टिकट लेके आ जाओ, हम जो है नहीं बिना मांगे आपको वोट देंगे, कांग्रेस वाले को कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से जिताएंगे। हाँ। तो भाई ताऊ ने तो मैंने बना लिया है, गणाए नाराज दिखा है, कसूता नाराज हो रहा है, आप इन बात करना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। क्या विचार बना रखे इस बार? हमने बीजेपी हराने का विचार बना रखे। बीजेपी हराने का? हाँ जी। क्या बात, इतनी नाराजगी ऊपर है? बस नाराजगी बीजेपी ना, हमें 13 भी नौड़े किसान सारे आंदोलन पे बैठा दिए, भूखे थे सारे, मास्टरा नंबर और ग्रहण करे। हाँ, बीजेपी कोई भी पार्टी जितानी पड़ जो, बीजेपी को नहीं जीतने। बीजेपी तो 24,000 नौकरी के पद काटने लाई रही है अभी, युवा लगाना चाहे वह 35 लाख काट दो। अच्छा। हाँ, इससे हमें नाराज है। हाँ, नाराज बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। विधानसभा में ईडी की एंट्री होगी, आपने मेरे हर हुड्डा गिरम आ गया है इसका। हुड्डा गिरम आ गया, हुड्डा ने बेईमान ना कर आया होगा। अच्छा। हमें ईमानदार किसान आदमी है। अच्छा। हमें किसी के साथ बेईमानदार वो नहीं करते। अच्छा। हम तो अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करा। तो क्या लगा, कौन सी पार्टी आज के है इस बार? पार्टी अब की बार कांग्रेस आज का। कांग्रेस का पूरा मन बना लिया? कांग्रेस। तो कांग्रेस में किसका चेहरा देखो आप भावी उम्मीदवार के रूप में? कांग्रेस से कोई भी आज उम्मीदवार, हमने अपने एरिया आस पास तक, हमने अपने एरिया से कोई मतलब नहीं, हमने कांग्रेस का उम्मीदवार से मतलब है। अच्छा। चाहे सोनिया हो, चाहे जर्सी आओ, चाहे डॉक्टर आओ, चाहे कोई आओ, तो लगा ये काम करा देंगे अपना हल्का का सुधार विकास, जो अब तक बीजेपी को नहीं करा पाई। सुधार नहीं कराना कोई भी। अच्छा। आते ही कांग्रेस भी सारी उम्र रह ली, बीजेपी 10 साल हो गए, सुधार नहीं कर सकता अपना घर भर सके। अच्छा। नेता हर एक बेईमान है, ईमानदार कोई नेता नहीं बनता। अच्छा।
अरे ईमानदारी का हक में कोई नेता हो तो वो आएगा बता दियो। तो इन्हें अबे ने तो काफी काम करण की वो कर रखी है भाई, किसाना खातिर इस्तीफा भी दिया, साथ भी दूंगा, गल भी हांड दूंगा। अबे को साथ दिया, अबे दोबारा बना के ले आई। हमारा नानू दलका भी वहाँ जाके ना वोट मांगी, भीख मांगी। अबे ना हमारे ऊपर व्यवसाय कराया था किसानों पर, उसका एहसान तारिया है। हर एक हल्का में हरियाणा में कट जाए घूमा, उसके ऊपर दो तो डंडे नहीं लगते। हर ये इनके ऊपर हर एक के ऊपर डंडे उठे हैं। आता ही कोई नेता हमारे किसान ना था दिल्ली बॉर्डर पर कोई सारा देनिया गया वो का मतलब एक आंदोलन का दौरान डंडे उठे हैं वो मुख्य कारण है। हाँ मुख्य कारण है। एक अभी ऐसा नेता पहुंचा था जो हमारे बीच में दिल्ली सारा घूमया है, लड़ तो लिया था दोबारा इलेक्शन। हाँ लड़ लिया, फिर जताया, इस्तीफा दिया बेचारे ने। तो बात भी आई थी भाई, जो जोड़ा आया है उसका बाहर उतारना है, इस टाइप की भी बात आई थी। बाहर तार उसको बाहर कौन सा तारा है, इस्तीफा दिया जताया नहीं लिया नहीं गोडी लाग कर सबकी में सरकार होना नहीं, इतना खिलाफ होना नहीं, अकेला आदमी ना इस्तीफा देकर मैदान में कुदरा। और ये कांग्रेस और कोई नहीं था, कोई इस्तीफा देनिया नहीं था, कोई किसानों को दिल्ली सारा देनिया क्यों नहीं था, एक भी नेता पहुँचा तो बताओ। फिर कर लेगा रामकर गौतम को पक्का नहीं, चाहे कांग्रेस आए जो रामकर गौतम को कोई वोट नहीं मिला का। क्लियर बात करनी है, मैं कहना सुखी रहना बिल्कुल रामकर गौतम को नहीं, चाहे कांग्रेस से टिकट मिल जो वोट है कि नहीं। अच्छा इतनी बूंदी बना। हाँ इतनी बूंदी भाई, फिलहाल तो जो है माहौल गर्म है और इस चुनावी माहौल में कुछ भी हो सका है, राजनीति का पलड़ा कि नहीं पलट सके। राम राम ताऊ। हाँ राम राम। कुकर ठीक, रोटी पानी खाई गए? हाँ ठीक सब है। हैं के चल रहे अपने नारनोंद में? बिहार तो कांग्रेस का जोर से, कांग्रेस का जोर से मन बना लिया कसूता है, ये तो हल्का है सारा कांग्रेस में चलेगा। के बात, इस बार बीजेपी का कोई नाम है नहीं लेंदा ना? बीजेपी के लोग नाराज है। नाराज है? हाँ। तू भी नाराज है ताऊ? हाँ मैं तो हम नाराज हूँ। के करे उसने? ये कुछ भी नहीं करे हल्दी, कुछ कराए को नहीं। हाँ हाँ बीजेपी तो मान ले सीट लिया हुआ है भाई, वो काम कर सके कौन कर सके? अभिमन्यू ना कोई नहीं, कांग्रेस का जो होगा उसे ले। अच्छा बीजेपी तो कोई तुरम खा जाओ चाहे, कहने का मतलब है बस बस। तो भाई ताऊ राम राम। राम राम। कुकर चुप चुप बैठा है? चुप तो ये कहन लाग रहे, और मैं के तार पे भी उतार ना कहन लाग रहे ना, मैं अंदर को नहीं कहना आ कर थोड़ी तो कह लो, मैं थोड़ा पढ़ सु चलो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। और भी बैठे हैं तब राम राम। आंख उख बनवा ली के? हां आंख बनवा ली है। राम राम। हां बढ़िया हो गया। तो के कुछ अपने राजनीतिक माहौल? राम राम। हैं के राजनीतिक माहौल बन रहा है अपने? राजनीतिक माहौल तो कांग्रेस का बन गया है। विकास तो करिया को नहीं, विकास तो नाम जानते को नहीं करनी है। अच्छा बड़का का नाम भी लोगों ने विकास रखना छोड़ दिया था वो। जो विकास तो करिया लो, जो किसान तो लठांग ले कूटे, जो विकास तो करिया है, और कोई विकास नहीं करिया है। मतलब किसान और मजदूर वर्ग इस बात ज्यादा नाराज? हाँ किसान मजदूर इस बात से नाराज है। लेकिन इब 24,000 वो भी काटने आ रहे, वैकेंसी भी काटने लग रहे हैं। इब काटने जाओ भाई, ऊपर दिखा इब तो इन दिखे नहीं भी कितने वो बनाने लग रहे हैं, ये ठाठा के टाइलर पत्थर चेपने लग रहे हैं। ये चाहिए कि मैं कर लो चाहे घर घर नौकरी दे दो, ये भी नहीं वोट इन एक भी। अरे पेंशन बढ़ जाएगी बोलो, इतना खाटा पेंशन तो सारे बताओगे, पेंशन तो सारे बताओगे, कौन सी पार्टी है लो बताओगे, सारे बताओगे। इन को नहीं बताए पाछा एक ऐलान करया था इनने। अच्छा जमा ऊपर लग। हां चलो ठीक है, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है ताऊ राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक है। बढ़िया चल रहे हैं अपने? बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रहे हैं। तो क्या चल राजनीतिक माहौल में क्या चल रहे हैं? डॉक्टर कांग्रेस डॉक्टर आओगे? डॉक्टर डॉक्टर आओगे जस्सी अकेल है तो ठीक, फिर यो इसका ठीक है
इसका ठीक है। हाँ। चलो भाई और भी है पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या माहौल है अपना का? यहाँ तो कांग्रेस का चल रहा है जी। कांग्रेस का है के? अच्छा तो भी कांग्रेस का मूड बना रहा है। थोड़ा पीछा करो। अच्छा क्या जी? मतलब उड़ा अगर आप देखो हो कंपटीशन कौन सी दो पार्टी हम देखो कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस और बीजेपी में, बाकी दो पार्टी का जेजेपी है इनेलो है ना जी? वो तो 5 साल व्रत के देख ली। देख ली तो 9:30 भी आ देख ली। इससे पहले कांग्रेस से ना थी? कांग्रेस दोबारा कांग्रेस आगे का ढाब रहे। ये तो आना जाना लगे रहा है जी। लग रहा है फिर 10 साल बाद फिर छक लो फिर बीजेपी ले। हाँ मतलब बदलाव तो होता ही रहेगा। होता ही रहेगा। अच्छा तो फिलहाल अगर आप बात करें कांग्रेस और बीजेपी का कंपटीशन बता दिया। हाँ बहुत तो बढ़िया। अभी बता दो फिर कांग्रेस तो कौन ले आओगे? कांग्रेस तो ज्यादा तो उम्मीद है डॉक्टर साहब की, अजय चौधरी की। अच्छा जस्सी? जस्सी भी दूसरे नंबर पर है जी। जस्सी दूसरा पर? हाँ जी क्योंकि मेहनत तो करे हल्का में पूरा घूमया साल भर। जस्सी? हाँ जस्सी भी डॉक्टर। अच्छा? भी घूम रही अब तो। अच्छा जस्सी ने क्या करा ये पे तो फिलहाल तो वोटे महंगे हैं, करे तो कुछ नहीं। वो घूम रहा है काफी कुछ है वैसे आगे उम्मीद तो रख रहे हैं लोग। अच्छा उम्मीद युवा है वो भी। अच्छा मतलब अगर जस्सी आओ तो अपना काम बन सके है डॉक्टर का? ये बात है जी डॉक्टर के पिताजी 20 वर्ष इस हल्का में मतलब मंत्री रहे हैं उसका भी है जी। हाँ 20-25 हज़ार तो वोट पहले ही साथ में है। हाँ जी 20-25 हज़ार तो उठा है इलेक्शन उसका तो। अच्छा अच्छा। और शैलजा जी ने 11 तारीख ने जो रैली करी थी जनशाला आया कितनी 15-20 हज़ार की संख्या में आदमी थे जी। अच्छा तो मेरी बात तो सुनो तुम कांग्रेस कांग्रेस करो कांग्रेस में तो गुटबाजी घनी है। गुटबाजी तो जी शैलजा गुट न्यारा है भूपेंद्र न्यारा है और यो अपना सुरजेवाला न्यारा है। देखो जी नो है शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा है ना जो इनमें तो ही सीएम आओगा एक। हाँ। सीएम का चेहरा तो चलो जिक्र कर दिया था ना तो पूछ लिया उड़न देखो शैलजा देखो इन 4-5 जिले में तो अब की बार थोड़ी शैलजा की डिमांड ज्यादा हो रही है जी। हाँ वहाँ से उसको पूछा कौन था इधर पकड़ कम है उसकी। चलो सर बैठे 2-4 सवाल इन तभी कर लिया बस किसी ने जिक्र कर दिया शैलजा जी का। हाँ जी कांग्रेस पार्टी में जुकर नु कह दिया शैलजा तो इलेक्शन कौन लड़ सकती सांसद इलेक्शन कौन लड़ सकते। बात इस तरह है जी के सांसद भी जो है नी मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ। जैसे पीछे जो है नी हुड्डा साहब सांसद थे और उस टाइम मुख्यमंत्री बनाए तो इसी प्रकार से जो है नी अब सैनी था सैनी भी जो है नी सांसद था सांसद होते हुए इसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसमें तो कोई बात को नहीं बीजेपी तो बनाना रही अपने पुराने सांसद ने टिकट दे ला रही बीजेपी का जिक्र को नहीं जिक्र हो रहा कांग्रेस का। हाँ कांग्रेस का ही हम जिक्र कर रहे हैं। तो कांग्रेस में जो है नहीं मतलब गुटबाजी वाली बात इनको धमका दिया है कह दिया है जो सेंट्रल कमेटी है उन्होंने कह दिया भाई अपने ठीक हो जाओ और एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे और उसके बाद फिर जो है नहीं बयानबाजी नहीं भी होने लग रही है। बाकी यूँ है कि शैलजा की ड्यूटी लगाई है जैसे शहरी क्षेत्र है वहाँ कुछ कांग्रेस कमज़ोर है उसको जो है नहीं कांग्रेस को उभारने के लिए इसकी ड्यूटी लगाई है। तो एक सवाल और पूछूंगी बहुत ज़रूरी सवाल है किसान आंदोलन में नू कह नहीं तो भाई कुट्टे नू करे चलो आप किसान आंदोलन का जिक्र करा। हाँ किसान आंदोलन में जब कांग्रेस सरकार किसानों के लाना चाहती जो उस टाइम भी किसानों ने मंच कौन दिया था कांग्रेस सरकार का तो क्या देखो वो सरकार लिया होगी कांग्रेस? बात ऐसे है जी मंच तो हमने जो है नहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है नहीं दिया था इसलिए कांग्रेस को भी कैसे दे देते है बगैर जो है नहीं मंच के जो है नहीं वैसे हमने किया भाई आप समर्थन करो आर्थिक मदद करो है अपने बयानबाजी करो अपने जो है नहीं प्रेस नोट दो के नाम से किसानों के हक में और किसानों के साथ बहुत इस सरकार ने बीजेपी सरकार ने देखो 750 आदमी जो है नहीं शहीद हो गए और सरकार ने मुख्य प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी कभी किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा भाई माड़ी बात हुई ये किसान इतने शहीद हो गए कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ये हम इनकी मांगे मानेंगे और इस प्रकार की। आप नारनौंद की और थोड़ी ही बात कर लिया अब जो है भाई दो आपने कंपटीशन तो बताए दिया दो पार्टियों का और सागर सागर न्यू और बता दो मैंने सुनो सुनो सागर सागर न्यू और बता दो जो कांग्रेस में यो आया जो बीजेपी तो अपना यो आ गया राम कुमार गौतम तो है मौजूदा है वो तो
हाँ जी गौतम गौतम जो है ना रामकुमार गौतम जी जो जेजेपी से थे और अब सुनना में आ रहा है कि ये जो है नी बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं लेकिन देखो ज्वाइन करेगा तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इससे और भी ज़्यादा नुकसान होगा गौतम को बहुत बुरी तरह हारेगा। चलो गौतम का तो बता दिया कैप्टन अभिमन्यु कैप्टन अभिमन्यु भी जो है नी ये भी बुरी तरह हारेगा। चलो अपने जरूरत अगर कांग्रेस की बात करें तो जसी जुसी तो जस्सी ऐसा है जी हमने कहा है कि चाहे जस्सी आ जाओ चाहे डॉक्टर आ जाओ चाहे हाँ कांग्रेस का कोई आ जाओ वो बिना मांगे बिना खर्ची के बिना उसके हम बगैर मांगे जो है नी उनकी बीजेपी नया बात कह दी बोले पर्ची खर्ची तो नुए चल लेंगी नहीं यहाँ कोई खर्ची पर्ची जो है नी कुछ नहीं चलेगा हाँ बिल्कुल बिना मांगे जो है नी जैसे जेपी का इलेक्शन था जेपी ने बताया कहा कि 40 साल में ऐसा इलेक्शन मैंने पहली बार देखा है जबकि कोई खर्चा नहीं हुआ कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों ने अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ा अपनी मर्जी से वोट दिए और खूब हंगामा का जो है नी मतलब जिताया जो कि एक प्रकार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा बाहर रख दिया है। चलो सताऊ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इस टाइम भाई जो नारनौंद विधानसभा में मौजूद थे अपने चाचे तवान ने बात करी है सारे ने एक बार मन बना रखा या हवा परिवर्तन की है देखे जाओ राजनीतिक हवा और राजनीतिक ऊंट किस तरफ किस करवट बदलेगा। तो फिलहाल आप बने रहे थे सहारा न्यूज़ और न्यूज़ 24 गेला बने रही और अगली अपडेट गेला फिर मुलाकात करूँगी जल्दी मिलूँगी आप तक शेयर करते रहिए फॉलो करते रहिए धन्यवाद।